हमारे सभी विभागों ने संयोजन किया है, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी, सचिव श्री शैलेश बगोली जी, सचिव डॉक्टर आर राजेश जी, प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग श्री जयपाल सिंह जी, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सारा श्रीमती नीना ग्रेवाल जी एवं हमारे आए हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सभासदगण, सभी ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें और मेरे सभी नौजवान साथियों, सभी विभागों के हमारे जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और SSP देहरादून समेत सभी विभागों के, जलागम विभाग, सिंचाई विभाग, अन्य विभागों का, सभी विभागों का इसमें इस संयोजन में प्रतिनिधित्व रहा है। सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मंच पर आसीन श्री संदीप सैनी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सर्वप्रथम मैं आप सबको आज इस ये जल संचय और जल संरक्षण अभियान के शुभ अवसर पर यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं, मैं आप सबका, अपनी ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि एक शानदार कार्यक्रम जो कि बिना जन सहयोग के बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत न्यून हो जाएगा, मैं आप सबकी सहभागिता देखकर, आपकी उपस्थिति देखकर ये कह सकता हूँ कि जो हमारी देवभूमि की प्रकृति को सम्मान देने की परंपरा है, वो परंपरा जीवंत स्वरूप में आगे बढ़ रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा मार्ग बनाने के लिए, उनका अच्छा भविष्य बनाने के लिए पूरी तरह से हम सब जागरूक हैं। हम जल को देव की संज्ञा देते हैं और नदियों को माँ और देवी मानकर पूजा करते हैं। हमारी ऋषि परंपरा और धार्मिक ग्रंथों में जल को औषधि, अमृत और जीवन का आधार माना गया है। आप देखिए कि जहाँ भी जल होता है या जहाँ से नदी प्रभाववान होती हैं, नदियाँ प्रभाववान होती हैं, जल प्रभाववान होता है, वहाँ जीवन अपने आप में एक जीवन को भी प्रकाशमान करने का काम ये हमारा जल करता है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर ऋषिकेश से माँ गंगा ना निकलती हों या हरिद्वार से माँ गंगा ना निकलती हों तो वहाँ कैसा होगा। तो ये जल की महिमा है जो हमको जीवन देने का काम करती है और जो जल संरक्षण है इसका महत्व हमारे वेद पुराणों में भी बताया गया है और यजुर्वेद में जल संरक्षण के लिए कहा गया है कि माँ आपो हिंसी, यानी कि जल को नष्ट न करें, जल का संरक्षण करें, जितना हो सकता है उतना जल का संचय करें। हमें भविष्य की चुनौतियों का समाधान हमारे अतीत की चेतना के पुनर्जागरण के साथ करना होगा, क्योंकि जल रहेगा तो हमारा कल रहेगा। आप निश्चित मानिए, अगर जल समाप्त हो गया तो जीवन समाप्त होने से कोई बचा नहीं पाएगा। इसके लिए हम सभी को मिलकर आज से, जब हम इस जल संरक्षण, जल संचय के इस अभियान में सहभागी बन रहे हैं, तो हमें आज से ही इसके लिए प्रयास करने होंगे, आज जल की कमी को पूरा करने के लिए। पूरे विश्व में भविष्य के सबसे बड़े संकट के रूप में अगर किसी को देखा जा रहा है तो जल को देखा जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, अनियंत्रित उपयोग से जो हमारे जल के स्रोत हैं वो तेजी से समाप्त हो रहे हैं। आप सब देखते होंगे, आज ऐसे
मैं इस जल संरक्षण जो सप्ताह का उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति को हम पानी के महत्व के और उसके संरक्षण के तरीकों और जल संसाधन के प्रबंधन के बारे में उनको जागरूक करें, उसकी भूमिका इसमें वो स्वयं तय करें, इस प्रकार का ये अभियान आज शुरू हुआ है। और उत्तराखंड सरकार जल संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति अति गंभीर है। सरकार द्वारा अनेक योजनाएं और कार्यक्रमों के माध्यम से जल संरक्षण के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, अनेक योजनाएं बनाई जा रही हैं, अनेक अनेक विभागों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। अभी आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने और आदरणीय सतपाल महाराज जी ने बहुत विस्तार से बताया कि हमारे विभाग किस प्रकार से काम कर रहे हैं और इन प्रयासों को अधिक बल देने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुनेशन प्राधिकरण अर्थात सारा का गठन किया गया है। और मुझे यह भी बताया गया है कि सारा द्वारा जल प्रवाह में कमी वाले लगभग 500 पेयजल योजनाएं एवं सिंचाई की लगभग 200 सहायक नदियां धाराएं चिन्हित की गई हैं और उनको फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए मैं प्राधिकरण को, उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक शानदार काम जो हमारे भविष्य के लिए निश्चित रूप से बहुत लाभदायक होने वाला है उस काम को प्रारंभ किया है। आज सरकार के प्रयासों के साथ साथ जल संरक्षण के साथ ही जन सहभागिता की भी अत्यधिक आवश्यकता है। बिना जन सहभागिता के या हम सब के बिना प्रयासों के जो ये अभियान सारा चला रहा है, उत्तराखंड सरकार चला रही है, भारत सरकार के अनेक अनेक विभाग इसको चला रहे हैं, अनेक अनेक हमारे संस्थान चला रहे हैं, अनेक प्रकार के आज अनुसंधान हो रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं जब तक जन सहभागिता इसमें पूरी तरह से नहीं होगी तब तक ये अभियान अधूरा रहेगा। इस हेतु ये कार्यक्रम आज जो यहाँ पर किया जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड अपने आप में अकूत जो जल संपदा है उसको अपने आप में सजोए हुए है। हमारे यहाँ पर पहले से ही प्राकृतिक जल स्रोत, सदा नीरा नदी तंत्र, गाढ़ गदेरे, नौले, धारे, ये अमूल्य धरोहर अपने आप में समेटे हुए हैं। पुराने समय से ही कहा जाता था कि पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी कभी यहाँ के काम नहीं आई। कुछ एक अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो यह बात सत्य भी है। इसे हमको बदलना होगा और इसमें बदलाव लाना होगा। और हम सबको आज जब हम इस जल संचय और जल संरक्षण के इस अभियान में सहभागी बन रहे हैं तो हमको संकल्प लेना होगा कि हम अब ये बदल कर रहेंगे कि पहाड़ की पानी और पहाड़ का जवानी यहीं के काम आएगा, राज्य के ही काम आएगा, राज्य के लिए ही काम करेगा। आज हम देख रहे हैं जिस प्रकार से आज प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है, हमारे जो ग्लेशियर है वो सिकुड़ रहे हैं, नदी गाढ़ गदेरे, नौले धारे, ऐसे अनेक स्रोत जिसमें लगातार पानी कम होता जा रहा है। आप सब में से भी आप लोग देखते होंगे, आप ऋषिकेश से ऊपर पहले जाते होंगे या आप विकास नगर से डामटा होते हुए, पुरोला होते हुए आप उत्तरकाशी की तरफ पहुंचते होंगे तो रास्ते में अनेक जगह पर आपको धारे दिखते थे, जगह जगह पानी आता था। यहीं अगर देहरादून हरिद्वार के बीच में भी अगर सालों साल पहले चले जाए तो अनेक जगह पर पानी निकलता हुआ दिखाई देता था। पहाड़ों की बात तो अलग ही थी लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या कितनी कम हो गई। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, ये प्रश्न मंच पर बैठे हुए लोगों का भी नहीं है, ये प्रश्न हम सब का है कि आखिर किस प्रकार स्थिति में परिवर्तन हुआ है। सदियों से हमारी प्यास बुझाने वाले जो प्राकृतिक जल स्रोत है अब धीरे धीरे
वो खुद प्यासे हो रहे हैं। आज हम जहाँ यहाँ जल संचय और जल संरक्षण का इतना शानदार कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, मुझे बताया गया कि लगभग 6,000 किसानों को, माननीय विधायक जी बता रहे थे, लगभग 6,000 किसानों को आज के इस जिस कार्यक्रम में हम सब सहभागी हो रहे हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम से, इस प्रकार के जल संचय से उनको सीधे सीधे लाभ हो रहा है। लेकिन आज प्रदेश के अंदर अनेक अनेक स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आज भी हमारे जल स्रोत लगातार सूखते जा रहे हैं। हम सबको उसके लिए चिंता करनी होगी। भाइयों बहनों, 3 पीढ़ी पहले के लोग इन जो हमारे नौले थे, धारे थे, हमारे स्रोत थे, गाढ़ और गधेरे थे, इनको ग्राम देवता के रूप में पूजते थे, इनकी पूजा करते थे। साथ ही नौले धारे गांव की सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है, उस विरासत के अभिन्न अंग होते थे। इसलिए बिना किसी आधुनिक तकनीकी विशेषज्ञता के धारे सैकड़ों वर्षों तक केवल और केवल गांववासियों की सूझबूझ से लगातार संरक्षित रहते थे, लगातार लोगों को जल देने का काम करते थे और जल के साथ जीवन देने का काम करते थे। लेकिन पिछले 2-3 पीढ़ियों से इसको भावनात्मक जो संवेदनशीलता के कारण इन्हें केवल और केवल पानी का स्रोत समझा गया, इसी के साथ ही अंधाधुंध और अनियोजित ढंग से जो आज हमारे यहाँ पर कटान हो गया, पलायन हो गया, घर घर में जो पानी की टंकियों ने नौला धारा पंधियारों के प्रति जो हमारा एक अटैचमेंट था, एक भावनात्मक लगाव था, उस लगाव को कम करने का कार्य किया है। आज जो जल का संचय करने वाले हमारे जो बांस के पेड़ हैं, बांस के वृक्ष हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और चीड़ के जंगल बढ़ रहे हैं जो जंगलों की आग के प्रमुख कारक बन रहे हैं। अभी आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने, वन मंत्री जी ने बताया कि कल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, हृदय विदारक घटना हुई कि हमारे 4 वन कर्मी जो आग बुझाने के लिए जा रहे थे, एक हादसे का शिकार हो गए। भाइयों बहनों, निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। आज जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। चारों तरफ जब हम कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रही है, हम सभी पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष आप अधिक गर्मी महसूस कर रहे होंगे। एक समय था 1990 से 2000 के बीच का, देहरादून में तो लोग पंखे भी कम चलाते थे और थोड़ी सी गर्मी होती थी तो बरसात होने लगती थी। आप देखिए पिछले साल टेम्परेचर कितना था, इस साल टेम्परेचर कितना हो गया, और इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो अगले साल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, और हम सब इस गर्मी को महसूस कर रहे हैं। इसके मूल में हम जाएंगे तो पाएंगे कि ये उपयोग नहीं बल्कि उपभोग की जो संस्कृति है, इसका ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए हमें अतीत की तरह हमारे जो संसाधन हैं, पहले जो हमारे पूर्वज किया करते थे, हमारे बुजुर्ग किया करते थे, उसकी महत्ता को समझना होगा और इन जिम्मेदारियों से, इन संसाधनों का संरक्षण और दोहन करना होगा। मैं आशा करता हूँ कि यह जो जल संरक्षण का हमारा ये उत्सव है, ये जल संचय का जो अभियान है, जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का जो ये अभियान है, ये जन जन के मध्य जो जल के स्रोत हैं, इन सबको संरक्षित करने हेतु जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं आप सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस कार्य को केवल विभाग से भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये काम केवल एक सप्ताह का न होकर, एक सप्ताह तक इसको सीमित न रखा जाए, बल्कि पूरे वर्ष भर ये काम चलता रहे, इसे सुनिश्चित किया जाए। इसमें हम सब की किसी न किसी रूप में सहभागिता हो, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश के समस्त सम्मानित जन, हमारे जनप्रतिनिधिगण, ग्रामवासी तथा हमारे युवाओं के साथ साथ सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण जल संरक्षण के इस महत्वपूर्ण जो ये हमारा कार्यक्रम है, हमारा अभियान है, पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ,
जहाँ पौधारोपण के काम में भी सहयोग करेंगे, जल संचय और जल संरक्षण के लिए भी काम करेंगे। मैं यह भी आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण भी जो जल संरक्षण